तो ये देखो सामने का नज़ारा यहाँ पे, और वहाँ पे एक बार रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ऊपर एक है, आगे फिर चलूँगा, आगे एक बे है जहाँ पे छोटा सा बीच है, वहाँ पे भी। तो ये जो इतना जो हिस्सा है ना, चलने की जगह नहीं मिल रही आपने, यही सारे नाइट क्लब्स वगैरह हैं यहाँ के, पब नाइट क्लब्स जो भी है सब यहीं पर है। रात में यहाँ पे कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती है, इतना बिजी रहता है ये, इतना भीड़ रहती है यहाँ पे। तो ये देखो ये भी, अब ये सामने हुगोस होटल है ना, लैम्बोर्गिनी गोल्ड कलर की बड़ी सी गाड़ी, पहली बार मैंने देखी है इतनी लंबी गाड़ी। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग हियर इन माल्टा यूरोप। सो काफ़ी दिनों बाद आई एम हियर बैक अगेन सेंट जूलियंस में, और यहाँ मैं हूँ। आज मेरा ऑफ था, संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, समर्स आ चुके हैं। पहले मैंने काफ़ी पहले इसका एक वीडियो बनाया था जब मैं माल्टा में आया था, एंड अभी तो समर्स चालू हो गए, लगभग ऑलमोस्ट समर्स चालू हो गए, तो मैं यहाँ पर आया हूँ वापस से एक वीडियो करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए कैसा है ये प्लेस। माल्टा का वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस प्लेस है, वन ऑफ़ द मोस्ट फेमस क्या, मोस्ट फेमस प्लेस है सेंट जूलियंस। फेमस है नाइट लाइफ के लिए, फेमस है अच्छे सी व्यू के लिए, फेमस है अच्छे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स के लिए, सब आपको दिखाऊंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हिट द सब्सक्राइब बटन, लेके चलता हूँ आपको आगे इस वीडियो में और दिखाता हूँ कि कैसा लगता है ये सेंट जूलियंस जो कि है माल्टा में। ऑलराइट, चेकआउट करते हैं। सो ये देखिए, अभी मैं हूँ यहाँ पर सेंट जूलियंस, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और उधर से सलीमा है, और यहाँ पे एक पूल है, देखिए सी से अटैच है, और सारे चारों तरफ आपको बार्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और बहुत भीड़ है, बसेस भी बहुत फुल हो जाती हैं इस दौरान समर्स में। मैं बहुत पहले दिसंबर या नवंबर में मैं यहाँ पे आया था, एक वीडियो डाला था उसका यहाँ का, और मैं ये फिर से वीडियो डाल रहा हूँ। वीडियो पार्ट्स में आएगा, मतलब दो तीन वीडियो हो जाएंगे, क्योंकि सारी जगह घूमूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को घूम घूम के सब दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, ऐसे फुटपाथ पे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स आपको मिल जाएंगे। सो मैं वहाँ बस स्टैंड पे उतर गया था, और बहुत बिजी बस थी, और काफ़ी वेट करना पड़ा। अभी थोड़ा हम आगे वॉक करेंगे, ऐसे ही आपके यहाँ की लाइफ दिखाते हुए, कैसे यहाँ की लाइफ है, कैसा क्या यहाँ से व्यू आता है, सब दिखाऊँगा। फेमस होटल्स वगैरह भी यहाँ पर हैं, बड़े बड़े जितने होटल्स हैं फाइव स्टार सब यहीं पे आपको सेंट जूलियंस में ही देखने को मिलेंगे। तो शायद से मैं बहुत पहले उतर गया हूँ, बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट पहले उतर गया तो थोड़ा दिखाने को तो मिलेगा। तो ये देखिए, ये बलूता बे है, इसको बोलते हैं बलूता बे। आगे है सेंट पॉल्स बे, नहीं सॉरी, आगे है सेंट जूलियंस, एंड देन वहाँ पे ही एक नाइट लाइफ का पाचेविल करके कुछ प्लेस है नाइट लाइफ के लिए, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था जब मैं लास्ट टाइम वहाँ पे गया था, बट एग्जैक्टली मेरे को नेम प्रोनाउंस करना नहीं आया, या मैंने ज़्यादा लोगों को बोलते नहीं सुना, तो मुझे पता नहीं, पाचेविल पेचविल पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली ये प्लेस जो है बहुत क्राउडेड रहता है थ्रू आउट द ईयर, और समर्स में तो क्राउड बढ़ता ही जाता है यहाँ पे, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि बहुत फेमस प्लेस है, और मैं बहुत पहले उतर चुका हूँ यहाँ पे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत पहले उतर गया था, बलूता बे में उतर गया, आगे मुझे उतरना था आगे से आगे वाले बस स्टॉप पे, बट नो वरीज, वॉक करके देखेंगे कहाँ कैसे क्या है। सो मैं बात कर रहा था, ये प्लेस बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, और आगे चल के भी टूरिस्ट यहाँ पर बढ़ते ही रहते हैं समर्स में। यहाँ पे, वहाँ पे एक नया प्लेस आ रहा है, नई बिल्डिंग आ रही है, वहाँ पे एक नई बिल्डिंग है, मतलब होटल्स वगैरह बहुत नए नए हैं यहाँ पे, और बहुत सारे नए नए प्लेसेस भी हैं चेकआउट करने। ऐसे सी व्यू वाले रेस्टोरेंट्स आपको बहुत मिल जाएंगे यहाँ पे, जो डायरेक्टली आपको सी का मज़ा लेते हुए खाना खाने में आनंद दिलाएंगे। यहाँ पे एक सुपर मार्केट है, वेलबीज, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सुपर मार्केट इन माल्टा, लिडिल है, देन वेलबीज है।
तो मुझे उतरना चाहिए था वहाँ, और मैं उसी के धोखे में उतर गया पीछे वाले पे। काफ़ी टाइम हो गया ना मुझे आए। तबीयत सही नहीं थी मेरी, सोचा था किसी और दिन जाके वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बट एवरी टाइम किसी और दिन हो जाता है। तो सोचा आज चलता हूँ, आज ही वही किसी और दिन वो आज ही है, तो आज ही वीडियो रिकॉर्ड करना है, कुछ भी हो जाए। तो निकल गया, शाम होने को है, लगभग 6 बज रहे हैं। सूरज अभी निकला हुआ है, यहाँ पे ज़्यादातर और समर जैसे ही आता जाता है वैसे ही सूरज काफ़ी लेट सेट होता है, सनसेट होता है, काफ़ी लेट सनसेट होता है। तो लगभग मैं बोलूँ तो 9-10 बजे तक भी सनसेट, 9-9:30 बज जाते हैं सनसेट गर्मियों में यहाँ पे। तो अभी लगभग 7:30 बजे होता है, फिर धीरे धीरे टाइम एक्सटेंड होता रहेगा ये। और ये देखिए यहाँ से ये व्यू है, वहाँ पे एक होटल है, खावियर होटल, पता नहीं क्या नाम, सही से दिख नहीं रहा है। पिछली बार मैं आया था तो वाले वहाँ सामने था मैं, और मैंने एक वीडियो बनाया था, शाम का टाइम था। और देखिए आगे चल के आपको बाहर से रेस्टोरेंट्स में दिखाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको पब्लिक दिखाऊंगा कितनी पब्लिक है। जो जैसा कि मैंने बताया, ये प्लेस जो है बार्स एंड रेस्टोरेंट्स एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स के लिए फेमस है, कैसीनो वगैरह भी है उधर आगे। तो ये देखो सामने का नज़ारा यहाँ पे, और वहाँ पे एक बार एंड रेस्टोरेंट है, वहाँ पे ऊपर एक है। आगे फिर चलूँगा, आगे एक बे है जहाँ पे छोटा सा बीच है, वहाँ पे भी आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाऊँगा, बड़े बड़े होटल्स हैं वो दिखाऊँगा। और आज संडे है तो आज शायद से थोड़ा बिजी दिख सकता है, बट देखते हैं। मैं भी बहुत दिन बाद आ रहा हूँ तो मैं भी देखूँगा कैसा क्या है। आयरिश पब, है ना मस्त, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं गाइस, देन हिट द सब्सक्राइब बटन। कॉस्टा कॉफ़ी ये मेरी कंपनी ऑन करती है माल्टा में कॉस्टा कॉफ़ी को। और ये देखो यहाँ के सी वाटर में मैंने जेलीफिश बहुत देखी हैं, तो ज़्यादा यहाँ कोई स्विम नहीं करता है, बीचेस की बात अलग है, बट यहाँ जो पानी रहता है ना उस पर मैंने जेलीफिश बहुत देखी है। और जेलीफिश टच करते ही बहुत ज़्यादा जलन होती है, पैरालिसिस भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है स्टिंग करने से। तो थोड़ा डर लगता है यहाँ किसी को देख के। अब पहुँचाऊँ मैं सही जगह। ये देखो सामने मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड्स। लास्ट टाइम मैं आया था यहीं पे नगेट्स खाए थे, वेज नगेट्स। अभी हम चलेंगे वहाँ पे, आपको दिखाता हूँ नीचे उतर के भी, फिर ऊपर जाएंगे। सो ये देखो सामने है वो रेस्टोरेंट सी व्यू के साथ में, मतलब ये बे व्यू के साथ में, और उस तरफ से मैं आया और यहाँ पे ऐसा कुछ है। ऊपर चलते हैं यार, इधर तो इतना ख़ास कुछ लग नहीं रहा है, फालतू में चलना चलना हो जाएगा, तबीयत भी नहीं सही है, नीचे बाद में जाऊंगा। पोर्चुगीज खिड़कियाँ, यहाँ पे बहुत आपको डिफरेंट बार्स एंड रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। इवन इंडियन बार रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ पे, इंडियन बार नहीं, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत फेमस प्लेस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, ये भी इसका कारण है। लिमोज़ीन, वो भी गोल्ड कलर की, बड़ी सी गाड़ी, पहली बार मैंने देखी है इतनी लंबी गाड़ी।
लिमोजीन नहीं देखी थी मैंने अभी तक। यहाँ पे एक मेजर बस स्टैंड, यहाँ देखो बॉम्बे बरीटो करके एक रेस्टोरेंट है जो कि इंडियन है। माल्टा की लोकल जो बियर है उसका नाम है चिस्क, यहाँ के लोग उसको सिस्क भी बोलते हैं और बाहर के लोग चिस्क बोलते हैं, CISK। ठीक है, येलो कलर के कैन में आती है, माल्टा की लोकल बियर है, बहुत लोग पसंद करते हैं यहाँ पे जो आते हैं। एंड यहाँ पे लोकल पियर से लिक्योर वगैरह भी बनता है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे लोकल जो फूड है यहाँ का वो है पास्तेसी एंड मॉल्टी सॉसेज रोल। बहुत से लोग पिज़्ज़ा भी खाते हैं, ओलिव पिज़्ज़ा। एंड मतलब अगर आप किसी भी स्नैक्स शॉप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर मॉल्टीज स्नैक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे पाचेविल में, यहाँ देखिए पाचेविल अपार्टमेंट्स लिखा हुआ है। और ये जो एरिया है ना रात में बहुत 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 फेमस है, रात के लिए बहुत बिजी रहता है। अभी हम इस तरफ चलेंगे और यहाँ पे लॉन्ग हॉल आरिस पब बड़ा बड़ा फेमस है और बहुत ही बड़ा पब है। रात में ये सब एरिया जिस लेन पे मैं चल रहा हूँ वो है पाचेविल लेन, और रात में ये एरिया फुल रहता है वीकेंड्स में, और समर्स में तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। तो ये जो इतना जो हिस्सा है ना चलने की भी जगह नहीं मिलती रात में, यही सारे नाइट क्लब्स वगैरह हैं यहाँ के, पब नाइट क्लब्स जो भी है सब यहीं पे है। रात में यहाँ पे कदम रखने की भी जगह नहीं मिलती है, इतना बिजी रहता है ये, इतना भीड़ रहती है यहाँ पे। बहुत बहुत बिजी रहता है। सबसे हॉटेस्ट जगह पे चल रहा हूँ अभी मैं माल्टा की, आप ये समझ सकते हैं, और बहुत क्राउडेड रहता है रात में। किसी दिन रात में आऊँगा ज़रूर मैं यहाँ पे, लेकिन देखते हैं वो टाइम कब होता है। वैसे रात में मैं कहीं नहीं निकलता हूँ, लेकिन किसी ना किसी दिन आने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं यहाँ पे। हैप्पी आवर 5 to 8 एवरीथिंग यू विल गेट टू सी ओवर हियर। और ऑलमोस्ट 7 to 8 बजे तक यहाँ पे पब्लिक गैदर होना चालू हो जाती है। सामने एक छोटा सा मॉल है और देन फिर है सेंट जॉर्ज बे। पिछली बार जब मैं आया था तो इस तरफ से उतरते हुए आया था ऊपर से, और अभी मैं बीच से आया हूँ। यह है छोटा सा मॉल, पहले मैं यहाँ पे गया हूँ और अभी सामने है सेंट जॉर्ज बे। यहाँ पे ये हुगोज बार बर्गर प्लेस है, हुगोज रेस्टोरेंट उसी का ही है ये बर्गर जॉइंट। यहाँ पे सारे फेमस होटल्स वगैरह हैं, हुगोज करके है, मैरियट का वेस्टिन है, सामने कोरंथिया होटल है, बहुत सारे फेमस होटल्स हैं। ये देखिए हुगोज होटल की एंट्री है, ये भी बहुत अच्छा व्यू देता है, सी व्यू देता है अपने होटल से। तो सारे बड़े बड़े प्लेसेस क्योंकि बहुत बहुत फेमस एरिया है तो यहाँ पे सारे बड़े बड़े होटल्स आपको मिल जाएंगे। मैरियट का भी है, रेडिशन ब्लू है, कोरंथिया पैलेस एंड होटल है सामने। कोरंथिया ने यही रेडिशन को अक्वायर करके रखा है तो वो भी है यहाँ पे। और यहाँ पे इंटर कॉन्टिनेंटल बीच क्लब लास्ट टाइम जब आया था तब बंद था, अभी खुला हुआ है। बहुत बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे आके। तो ये देखो ये बीच, और ये है सामने हुगोज होटल है ना, ये है यहाँ का व्यू, और ये इंटर कॉन्टिनेंटल जो मैंने आपको बताया, और ये इसका बीच है। ये प्राइवेट है इनका, यहाँ पे इनके ही सनबेड्स वगैरह लगे रहते हैं। बट दिस प्लेस इज़ क्वाइट फेमस एंड क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल। ऐसे प्लेसेस घूमने में अच्छा लगता है ना। सो
सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आपको ये पूरा वीडियो देखना है, मतलब इसका आगे का पार्ट देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। सॉरी। और आगे का पार्ट जरूर चेकआउट कर सकते हो आप इस मेरे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और अगर आप चैनल पर नए हैं देन लाइक भी कर दो वीडियो, और ये सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे देखने को मिले। तो अभी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगा सेंट जॉर्ज बे का, जो पूरा एरिया है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। आई एम श्योर यू गोना लव दिस प्लेस। ऑलराइट, चेक ये इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।